जिले के बाड़ी उपखंड में 7 दिवसीय 12 भाई मेले का ध्वजारोहण के साथ आगाज किया गया। मेला संरक्षक राधेश्याम एडवोकेट ने बताया कि इस मेले की शुरुआत 165 साल पहले जगनेर में हुई थी। हर साल होली की दोज के दिन ध्वजारोहण के साथ इसकी शुरुआत की जाती है। इस मौके पर राधाकृष्ण की मनमोहक झांकियां निकाली जाती है। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। इस साल मेले का समापन 16 मार्च को राजगद्दी के साथ होगा। एक हमारे सांप्रदायिक सद्भावना का बहुत अच्छा प्रतीक है और शुरुआत हमारे बुजुर्गों ने इसको 165 वर्ष पुराने समय से की है और जब से आज तक ये पीढ़ी इसको बिल्कुल निभाती चली आ रही है और शुरुआत ऐसे भावना से की थी कि एक चैलेंज दिया था हमारे पास यूपी उसको अंग्रेजी या उत्तर प्रदेश कहा करते थे पहले कि आप अगर भाई हो एक लोटे एक जल में पानी पी करके हम लोगों को दिखाओ तो हम आपको मानेंगे क्योंकि हम यहाँ नहीं आपके यहाँ तो हम पानी पी करके एकता दिखाएंगे। कुछ पहले दंगल और वो हुआ करते थे उसमें गए थे ये लोग तो अपने यहाँ तो आपके यहाँ तो हम दिखाएंगे लेकिन इसको हम बरकरार अपने यहाँ जाकर के भी रखेंगे। 12 समाज 12 जाति सर्व जातियों ने मिलकर इसकी शुरुआत की और इसका एक रूप दिया था भाईचारे का मिलन का। एक जायम पर बैठ के सब समाज बैठे और इसको हमने मनाया। भगवान राम जब लंका विजय करके अयोध्या लौटे उस रूप में हम इसको मनाते हैं। इस मेले को हमारे आसपास भरतपुर जिले से तो लोग आते ही हैं पर एमपी यूपी से काफी संख्या में रिश्तेदार लोग आते हैं। 165 साल से परंपरा चली आ रही है ध्वजारोहण की जो हमारा ध्वजारोहण होता है। आज ध्वजारोहण हमने विधिवत पूजा अर्चना करके आज ध्वजारोहण का हमने पहरा के और मेले का आगाज कर दिया है। जय श्री राम।